हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुभारंभ सीरियल के बारे में। जैसे कि आजकल आप लोग खबरें देख ही रहे होंगे शुभारंभ को लेकर कि ये शो ऑफ एयर होने वाला है। जी हाँ, ये शॉकिंग न्यूज़ है और आप लोगों के लिए यानी कि इस शो के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। लेकिन यस, ये बात सच है। जहाँ तक खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये शो ऑफ एयर होने ही वाला है। ये नवंबर के महीने में ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। और अगर बता दें आपको, इसके सीजन 2 को लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आखिर सीजन 2 कब आएगा इस शो का? सो चलिए इस वीडियो में यही बात करेंगे। शुभारंभ सीरियल जब ऑन एयर हुआ था, जी हाँ, ये 2 दिसंबर 2019 को ऑन एयर हुआ था। और उसके बाद से इस शो में इतनी ज़्यादा TRP आ रही थी। जी हाँ, लोग इस शो को काफ़ी पसंद करने लगे थे। राजा और रानी की कहानी को, उनके प्रेम को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और जिससे ये नहीं सोचा गया था कि ये शो इतनी जल्दी ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो 1 साल भी नहीं हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 3-4 महीने तो शो वैसे भी ऑफ एयर ही रहा है। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद ही जब से शो ऑन एयर हुआ है, तभी से इसकी शो के TRP बहुत ही ज़्यादा गिरने लगी थी। और यही वजह है कि मेकर्स ने शो के ऑफ एयर का बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन ऑफ एयर हुआ तो होगा ही, लेकिन शो का सीजन 2 कब आएगा ये बड़ी बात है। फिर से आप कब राजा और रानी की फिर से एक बार लव स्टोरी देखेंगे? फिर से उन दोनों का झगड़ा देखेंगे? ये बड़ी बात है। वैसे इस शो के फैंस तो चाहते ही होंगे कि जल्द से जल्द इस शो का सीजन 2 भी आए। अगर ऐसा है तो फिर बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे राजा और रानी के रोल में फिर से एक बार? क्या आपको अच्छे सुखीजा और महिमा मकवाना ही चाहिए राजा और रानी के रोल में? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मुझे तो लगता है राजा और रानी के कैरेक्टर में महिमा और अच्छे से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।